नहीं, ये जो पूरा का पूरा आइडिया है कि आर्टिस्ट लोग ऐसे कलर फेंक देते हैं कैनवास में और वो पेंट हो जाता है, तो इसका कोई बेस है क्या? एब्स्ट्रैक्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे ये बोलचाल में नहीं बोले, अरे कलर फेंक दिया, तो उसका कोई बेस है क्या इस बात का? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट व्हेन यू टॉक ऑफ दिस कम्स टू मी इज जैक्सन पोलॉक. ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु स्टार्टेड सीइंग कलर एज पेंटिंग. सो हाँ हिज पेंटिंग्स दैट आर कलर्स ड्रिप्ड ऑन कैनवस रिप्रेजेंट नथिंग बट कलर इटसेल्फ. लेकिन कलर इज पेंटिंग तो मार्क रोथको का भी, सिर्फ वो कलर ही पेंट करते थे. हाउ दैट टू थिंग्स आर डिफरेंट? इट इज डिफरेंट. यू पेंट समथिंग फ्लैट ब्लैक एंड यू चूज सर्टन कलर्स, कलर कॉम्बिनेशंस एंड यू क्रिएट अ पैटर्न सो बाय देयर इज इट. लाइक देयर इज अ पैलेट ऑफ कलर्स एंड देन देयर इज अ ड्रिपिंग ऑफ कलर्स व्हिच इज जैक्सन पोलॉक. हाँ, एंड ऑल्सो जैक्सन पोलॉक्स पेंटिंग प्रोसेस वॉज एक्चुअली कॉल्ड द फर्स्ट परफॉर्मेंस आर्ट. वो कुछ इस तरह की पेंटिंग्स की बात कर रही है मीनाक्षी. एंड दीज आर रियली लार्ज स्केल पेंटिंग्स इन विच ही यूज्ड हाउस पेंट्स. दीज ही डिड नॉट यूज द एक्रेलिक पेंट्स लाइक अदर आर्टिस्ट. एंड हिज होल परफॉर्मेंस ऑफ पेंटिंग वॉज डॉक्यूमेंटेड बाई सेवरल आर्टिस्ट, सेवरल फोटोग्राफर्स. ये इसका साइज देख के एक हमको लगा कि जब हम लोग ये मोमा में देख रहे थे ये वाला काम, तो ऐसे देखने में लगता है कि कलर ड्रिप किया गया, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे उसको तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल फील है उस पेंटिंग्स का, हमको ऐसा लगा देखने में. या मार्क रॉथको का जब कलर पैलेट्स देखता है कोई, तीन कलर हैं रेड या येलो का पैलेट जो है, तो बहुत ही सीरीन और मतलब बहुत शांति महसूस होती है उसको सो देखने बिकॉज से. दीज आर्टिस्ट दे हैव डेवलप्ड देयर टेक्निक नॉट बाय रैंडम. इट इज नॉट अ रैंडम एक्ट. इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट कॉन्शियस एक्ट of bringing colors together, certain pattern together, even the scale of the work. even thinking कि color drip करने से जो pattern बनेगा उसमें एक continuity आएगी, ये भी बड़ी बात थी. exactly, and it is not a exactly as I said not random act. it's a conscious act.